अनीमिया। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक टर्म और हम लोग यूज करते हैं, मैक्रोसिटिक मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, मैक्रोसिटिक मिगैलो ब्लास्टिक अनीमिया, राइट। और यहीं पे अगर हम लोग लिख लें, ज्यादातर ये चीजें विटामिन B12 एंड फॉलेट डिफिशियंसी अनीमिया, राइट, ये दो आपके विटामिन हैं, इनकी कमी से ज्यादातर इस टाइप का अनीमिया होता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि केवल इसी वजह से होगा, ये आपके मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं किसी में अनीमिया है। और यहाँ पे आरबीसी का साइज बड़ा है, मैक्रोसिटिक। हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर किसी में अनीमिया है तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या देखते हैं, जीबीपी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जीबीपी में मल्टीपल चीजें देखी भी थी और एक हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट इंसर्ट किया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम लोग माइक्रोस्कोप से आरबीसी का साइज देखते हैं अनीमिया वालों में तो दो चीजें मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आरबीसी का साइज छोटा हो गया तो हम लोग कहते हैं माइक्रोसिटिक है, और यहाँ पे ज्यादातर चांस रहता है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का। आरबीसी का साइज बड़ा हो गया तो हम लोग कह देते हैं मैक्रोसिटिक अनीमिया है, ज्यादातर चांस है विटामिन B12 या फॉलेट डिफिशियंसी के। तो हम लोगों ने ये चीज शुरू से डिस्कस किया है, अगर किसी में हीमोग्लोबिन कम है कैसे पता चलेगा, हम लोग सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में देखा है। तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट को हीमोग्लोबिन की बॉडी में कम है, अनीमिया है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर केसेस में हम लोग जनरल ब्लड पिक्चर कराते हैं। अगर यहाँ पे सेल का साइज कम है, मतलब आरबीसी साइज आपका डिक्रीज हो गया है, तो हम लोग कहते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया है। माइक्रोसिटिक अनीमिया होगा तो हम लोग कहते हैं ज्यादातर केस में आयरन की डिफिशियंसी है, आयरन डिफिशियंसी। तो आगे चल के पेशेंट को आयरन वगैरह देंगे, वी कॉल इट आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, राइट, IDA, ओके। सेकेंड चीज हम लोग कह देते हैं आरबीसी का साइज हो सकता है ज्यादा मिले हमें, राइट तो हम लोग कह देते हैं मैक्रोसिटिक अनीमिया, मैक्रोसिटिक अनीमिया, राइट। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं ज्यादातर केसेस में विटामिन B12 या फॉलेट डिफिशियंसी हो सकता है या दोनों हो सकता है, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग ज्यादातर अपना फोकस करेंगे विटामिन B12 और फॉलेट डिफिशियंसी में, राइट। अजीबो गरीब चीज है, अगर विटामिन B12 या फॉलेट कम है तो आरबीसी का साइज ज्यादा हो जा रहा है, सोचने वाली बात है। भले ही आरबीसी का नंबर कम हो जाए, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट कम हो, अगर आरबीसी का नंबर कम होगा तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन उसी के अंदर रहता है, वो भी कम हो गया। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल आरबीसी की बात करें तो साइज इंक्रीज हो रहा है, भले ही ये आरबीसी बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन बड़े बड़े आरबीसी होते हैं अगर इस टाइप की अनीमिया किसी में होती है जिसमें विटामिन B12 और फॉलेट कम हो, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एक टर्म और है, मैक्रोसिटिक अनीमिया का मतलब सिंपली क्या है, सिंपली ये है कि आरबीसी का साइज आपका क्या है, इंक्रीज है। एक वर्ड और है, मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया, मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया, मिगैलोब्लास्टिक अक्सर मैक्रोसिटिक मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया होते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं आरबीसी का साइज ज्यादा है पेरिफेरल ब्लड में, मतलब जो हम लोग वेन से ब्लड लेते हैं उसमें। अगर बोन मैरो में आरबीसी का साइज ज्यादा हो तो हम लोग कह देते हैं दिस इज मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया। तो ज्यादातर अगर विटामिन B12 और फॉलेट डिफिशियंसी अनीमिया है, राइट, तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें मिलती हैं, इसीलिए हम लोग कह देते हैं मैक्रोसिटिक मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया। और भी कंडीशंस होंगी जिसमें मैक्रोसिटिक अनीमिया मिल सकता है, लेकिन उसमें शायद मिगैलोब्लास्टिक ना हो। इसको अगर हम लोग सिंपली समझें, कभी कभी दोनों टर्म्स एक्सचेंज करके यूज कर दिए जाते हैं। मैक्रोसिटिक का मतलब जब हमने किसी का नस से खून लिया, वेन से खून लिया, आरबीसी का साइज बड़ा मिला, लेकिन आगे चल के क्योंकि बोन मैरो ने ही बनाना होता है आरबीसी, अगर वहां पे आरबीसी प्रीकर्सर्स, राइट, इमैच्योर आरबीसी का भी साइज ज्यादा हो तो हम लोग कह देते हैं मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया। तो अगर किसी को विटामिन B12 डिफिशियंसी है या फॉलेट डिफिशियंसी है, राइट, तो इसमें मैक्रोसिटिक तो मिलेगा ही, मिगैलोब्लास्टिक ही मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं मैक्रोसिटिक मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया।
यहाँ पे एक चार्ट देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ जाए कि समझ में आ जाए कि थोड़ा सा डिफरेंस है जो कुछ हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कौन सा डायग्राम लिया जाए, ये वाला डायग्राम है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्पेसिफिकली इस डायग्राम को इसलिए लिया गया है, मैक्रोसिटिक अनीमिया का मतलब सिंपली ब्लड के अंदर आरबीसी का साइज ज्यादा है, राइट। अगर मिगेलोब्लास्टिक की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं बोन मैरो के अंदर भी जहां आयरन बन रहा है वहां पे आरबीसी के प्रिकर्सर्स का साइज ज्यादा है, मतलब इमेच्योर आरबीसी का भी साइज ज्यादा है। अगर किसी में विटामिन B12 डिफिशियंसी है या फॉलेट है या दोनों की डिफिशियंसी है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मैक्रोसिटिक तो मिलेगा ही मिगेलोब्लास्टिक भी मिलेगा। एंड मिगेलोब्लास्टिक मतलब जहां पे भी आरबीसी देखोगे सब बड़े बड़े ही दिखेंगे आपको, राइट। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे विटामिन B12 कम हो गया, फॉलेट कम हो गया, जिसका हम लोग आज जिक्र कर रहे हैं। फॉलेट को विटामिन B9 भी कहते हैं। तो B12 और B9 की डिफिशियंसी में आपको मैक्रोसिटिक और मिगेलोब्लास्टिक, जो लोग बहुत ज्यादा एल्कोहल पीते हैं उनकी भी आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि मेम्ब्रेन स्ट्रेच हो जाती है, राइट, लिवर डिजीजेस में, हाइपोथायरॉयडिज्म में। लेकिन यहाँ पे नो मिगेलोसाइट्स इन बोन मैरो, यहाँ पे बोन मैरो के अंदर कोई चेंज नहीं आता, केवल पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो हम लोग कहते हैं मैक्रोसिटिक तो है लेकिन मिगेलोब्लास्टिक नहीं है, तो राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे विटामिन B12 और फॉलेट, तो हम लोग यहाँ पे ब्लड में भी बड़ी आरबीसी पाएंगे और आगे चल के पेशेंट का बोन मैरो एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं, तो वहां पे भी हमें क्या मिलेगा, बड़े बड़े आरबीसी के इमेच्योर फॉर्म्स मिलेंगे, प्रीकर्सर आरबीसी मिलेंगे। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं वो बड़े होते हैं, जब आरबीसी बोन मैरो से बनते बनते मैच्योर हो जाता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, राइट। अगर किसी में विटामिन B12 और फॉलेट डिफिशियंसी है तो इसका मतलब आरबीसी मैच्योर नहीं होगा और इमैच्योर रहेगा तो बड़ा ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक्स हम लोग कहते हैं मान लो ये बोन मैरो है, राइट, समथिंग लाइक दिस, दिस इज योर बोन मैरो जहां पे आरबीसी बनेगा। तो हम लोग कहते हैं पहले इमैच्योर आरबीसी बनेगा, इमैच्योर आरबीसी, आगे चल के क्या होगा, ये आरबीसी आपके मैच्योर हो जाएंगे और बोन मैरो से ब्लड में रिलीज कर दिए जाएंगे। तो जो इमैच्योर आरबीसी हैं, मान लो स्टेज 1 इमैच्योर आरबीसी, स्टेज 2 इमैच्योर आरबीसी और फाइनली मैच्योर आरबीसी, तो धीरे धीरे जैसे आरबीसी मैच्योर होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा और बोन मैरो से ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा, राइट। तो हम लोग मान लीजिए कह देते हैं यहाँ पे स्टेज 1 इमेच्योर आरबीसी, इसका साइज इतना बड़ा है और इसके अंदर न्यूक्लियस भी है। आगे चल के हम लोगों ने कह दिया स्टेज 2 इमेच्योर आरबीसी, मतलब थोड़ा सा और मैच्योर हो गया, इसका साइज और छोटा हो गया और इसके अंदर ये है। ये सारी चीजें कहाँ पे चल रही हैं, बोन मैरो के अंदर। जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है तो बोन मैरो से बन के निकलता है, मान लीजिए मैंने कह दिया ये पेरिफेरल ब्लड है, मतलब आर्टरी और वेन में, तो यहां से मैंने कह दिया अब क्या आ गया, मैच्योर आरबीसी आ गया। मैच्योर आरबीसी में ना कोई न्यूक्लियस होता है, राइट। अब यहाँ पे हमने कह दिया मैच्योर आरबीसी कहाँ पे, बोन मैरो में नहीं, इन ब्लड, तो यहाँ पे स्मॉल साइज भी होते हैं एंड नो न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। मैंने कह दिया ये आपका आरबीसी, दिस इज मैच्योर आरबीसी, जिसको आप लोग क्या कह देते हो, नोन एज इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, राइट। तो मैच्योर आरबीसी क्या होता है आपका, छोटा होता है और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका आरबीसी फॉर्मेशन होता है या हम लोग कह देते हैं इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, राइट। ये सब चीजें थोड़ी बहुत मैंने बताई भी हैं। तो बोन मैरो के अंदर पहले आरबीसी इमेच्योर रहते हैं, उनके पास न्यूक्लियस भी होता है, उनका साइज भी बड़ा होता है। जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होते हैं न्यूक्लियस निकल जाता है बाहर और आरबीसी का साइज छोटा होता है और ये ब्लड में मिलते हैं, बाकी सारी चीजें बोन मैरो में मिलते हैं, मतलब बोन मैरो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो बेसिक्स में जो कॉन्सेप्ट है, अगर किसी में, इफ
विटामिन B12 या फॉलेट डिफिशियंसी है, राइट? तो हम लोग कह देते हैं आरबीसी फेल टू मैच्योर, आरबीसी क्या होंगे, मैच्योर नहीं हो पाएंगे। अगर इसका मतलब आरबीसीज आपके क्या होंगे, इमैच्योर होंगे। अगर आरबीसीज इमैच्योर होंगे तो खुद ही सोचो, देयरफॉर इनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसीलिए हम लोग कह देते हैं देयरफॉर अगर किसी में विटामिन B12 या फॉलेट डिफिशियंसी है तो ऐसे लोगों में क्या होगा, एनीमिया मिलेगा, और ऐसे एनीमिक लोगों में जब आरबीसी का साइज देखोगे तो बड़ा मिलेगा, राइट? तो हम लोग कहते हैं देयरफॉर मैक्रोसिटिक एनीमिया। फिर से इस कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया था तो सेल साइज छोटा हो जाता है, लेकिन अगर किसी को विटामिन B12 या फॉलेट डिफिशियंसी एनीमिया है तो सेल का साइज, आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है। इसका रीजन है, हम लोग कहते हैं अगर आयरन डिफिशियंसी है तो मैचुरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी में B12 या फॉलेट डिफिशियंसी है तो जो इमैच्योर आरबीसीज होते हैं ये मैच्योर नहीं हो पाएंगे, और इमैच्योर आरबीसी का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मैच्योर आरबीसी। मैंने कह दिया ये विटामिन B12 और फॉलेट आरबीसी मैचुरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अगर ये कम है तो इसका मतलब मैच्योर नहीं होंगे, इमैच्योर होंगे, और इमैच्योर आरबीसी का साइज बड़ा होता है। जब हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से ब्लड बनता है बोन मैरो में, तो हम लोगों ने कहा था फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो ब्लड सेल किसी भी टाइप की हो, इस चार्ट को हम लोगों ने पहले पढ़ा था, बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं वही ब्लड बनाते हैं, बोन मैरो हड्डी के अंदर, राइट? स्टेम सेल्स होते हैं जिनकी वजह से आगे चल के आरबीसी भी बन गया, राइट? थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट भी बन गए और WBCs भी बन गए, राइट? तो इसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो ने सब कुछ बनाया, ब्लड बनाया, तो हम लोग कह देते हैं हीमोपोइसिस। अब हम लोग कह रहे हैं केवल आरबीसी को लेके चलें, बोन मैरो ने केवल अगर आरबीसी की बात करें तो हम लोग इसी को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, राइट? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड में WBC भी होते हैं तो हम लोग हीमोपोइसिस कहते हैं। अब ये जो आरबीसी बने हुए हैं ये पहले इमेच्योर थे जो बोन मैरो में थे, मैच्योर हो गए तो ब्लड में आ गए, तो जो इमेच्योर फॉर्म्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, और अगर विटामिन B12 और फॉलेट की डिफिशियंसी हुई तो आरबीसी इमेच्योर ही रह जाएगा, न्यूक्लिएटेड रह जाएगा और साइज में बड़ा मिलेगा, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है क्यों हम लोग विटामिन B12 और फॉलेट डिफिशियंसी में कैसी आरबीसी पाते हैं, पेरिफ्रल ब्लड स्मियर मतलब GBP, जब हम लोग ब्लड को, ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो सेल का साइज हमें बड़ा मिलता है, राइट? ये बहुत ही सिंपल है। एक और डायग्राम देखते हैं, जब हम लोग इरिथ्रोपोइसिस की बात कर ही रहे हैं तो किस तरीके से बोन मैरो में क्या बनता है, बोन मैरो में आपका आरबीसी फॉर्मेशन होता है। इस डायग्राम को देखिए, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा, शुरू के सेल्स क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, बोन मैरो के अंदर इरिथ्रोपोइसिस, इसको ना रटना, केवल समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं स्टेम सेल से पहले प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बना, इरिथ्रोब्लास्ट बना, रेटिकुलोसाइट बना, फिर इरिथ्रोसाइट बना, राइट? हम लोग क्या कह रहे हैं, पहले इमेच्योर आरबीसी बने जैसे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रो ब्लास्ट, फिर हमने क्या कह दिया, फिर आपका बन गया इरिथ्रो ब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट जिसको हम लोग रेटिक काउंट कहते थे, रेटिकुलोसाइट, और फिर आपका इरिथ्रोसाइट मतलब मैच्योर आरबीसी, राइट? तो ये इनका साइज इतना बड़ा है न्यूक्लियस से, इनका साइज इतना बड़ा है न्यूक्लियस से, इनका साइज इतना बड़ा है, और जो मैच्योर हो गया इतना छोटा सा है, तो जो इमैच्योर वाले हैं ज्यादा बड़े हैं। तो अगर किसी को विटामिन B12 डिफिशियंसी है तो मैच्योर होगा ही नहीं, तो साइज कम कैसे होगा? तो इरिथ्रोपोइसिस में हम लोग यही देख रहे हैं कि जब, राइट, इनिशियल जो शुरू की सेल्स हैं इनका साइज क्या है, शुरू की सेल्स का साइज बड़ा है, फिर साइज और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, ये आपकी मैच्योर आरबीसी है जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है,
राइट। तो जैसे जैसे बोन मैरो में आरबीसीज मैच्योर होते हैं, वैसे वैसे उनको विटामिन बी12 और फॉलेट की जरूरत पड़ती है, और वैसे वैसे आरबीसी का साइज कम होता है और न्यूक्लियस गायब हो जाता है। एक और डायग्राम लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। राइट, यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इरिथ्रोपोइसिस। राइट, हम लोग हीमोपोइसिस नहीं, केवल आरबीसी के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। शुरू में देखो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इतना बड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कह दिया आगे चल के ये और छोटे छोटे फॉर्म्स में बन जाएगा। यहाँ छोटा हुआ और छोटा हुआ, रेटिकुलोसाइट हुआ तो इतना छोटा हो गया, और जब मैच्योर आरबीसी बना तो आपका क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, दिस इज स्मॉलेस्ट। तो अगर किसी में विटामिन बी12 नहीं होगा, हर स्टेप पे विटामिन बी12 और फॉलेट चाहिए, यहाँ पे भी बी12 और फॉलेट चाहिए, यहाँ पे भी बी12 और फॉलेट चाहिए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास बी12 फॉलेट नहीं है, नहीं खाने में मिला मुझे, इसका मतलब आरबीसी इमेच्योर ही रहेगा, आगे नहीं जा पाएगा, और जितना इमेच्योर आरबीसी होगा उतना उसका साइज बड़ा होगा। इसीलिए विटामिन बी12 या फॉलेट डिफिशियंसी में आपका आरबीसी का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ये मैच्योर हो गया होता तो इसका साइज छोटा हो जाता, और अगर मैच्योर होगा तो हम लोग कहेंगे नॉर्मल साइज का है, तो आपका क्या होगा, तो इसका मतलब है कि ये विटामिन बी12 डिफिशियंसी एनीमिया है ही नहीं। राइट, तो जब एक मैच्योर आरबीसी की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और ये आपका क्या होता है, बाई कनकेव होता है, बीच में पैलर प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन किनारे किनारे ज्यादा होता है। राइट, इस तरीके से मैच्योर आरबीसी है, ये आपका स्मॉलेस्ट आरबीसी हो गया। राइट, और इसके अंदर देर इज नो न्यूक्लियस। और जहां तक रही बात मेगेलोसाइट की, तो ये बोन मैरो के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाता है, अनीमिया में हमें बोन मैरो भी कराना पड़ सकता है। राइट, तो हम लोग क्या कह देते हैं, मेगेलोब्लास्ट इमेच्योर लार्ज आरबीसी। लेकिन ये इमेच्योर लार्ज आरबीसी कहाँ पे हैं, इन बोन मैरो, पेरिफेरल ब्लड में नहीं, और यहाँ पे इनका जो न्यूक्लियस होता है एक तरीके से सीव लाइक होता है, छन्नी लाइक होता है, हम लोग इसीलिए इसको कहते हैं मिगेलोब्लास्ट। राइट, तो अगर किसी को विटामिन बी12 डिफिशियंसी एनीमिया है, फॉलेट है, तो जब आप इसका बोन मैरो करोगे वहां पे भी बड़ी सी सेल्स बड़े से न्यूक्लियस के साथ मिलेंगे, जिनको हम लोग मिगेलोब्लास्ट कहते हैं। राइट, ये बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आरबीसी का साइज छोटा और बड़ा होता है। राइट, यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें हम लोग पढ़ ली हैं, थोड़ा सा सिंपल चीज पढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट एंड सोर्सेज ऑफ, रिक्वायरमेंट एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी12 एंड फॉलिक एसिड। राइट, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं दोनों आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं। विटामिन बी12 इज इक्वल टू साइनोकोबालामीन, कोबालामीन, इसके अंदर कोबाल्ट होता है, और ये केवल नॉनवेज डाइट में मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रेड विटामिन, रेड विटामिन। इसी तरीके से जो दूसरा आपके पास विटामिन है, दैट इज फॉलिक एसिड, दिस इज अगेन नोन एज विटामिन बी12, और ये आपका वेज सोर्सेज में भी अवेलेबल होता है, वेज सोर्स में अवेलेबल है, नॉन वेज में तो है ही। ये आपके दो विटामिन हैं। अगर इनके रिक्वायरमेंट की बात करें तो याद करना काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, डेली रिक्वायरमेंट कितना इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में, हम लोग कहते हैं अगर यहाँ पे बी12 की बात करें, विटामिन बी12, तो केवल हमें कितना चाहिए, 1 to 2 माइक्रोग्राम पर डे। अगर हम लोग फॉलेट की बात करें, फॉलेट या फॉलिक एसिड या विटामिन बी9 कहते हैं हम लोग इसको, इसका डबल चाहिए हमें, 100 माइक्रोग्राम से लेके 200 माइक्रोग्राम पर डे, तो याद करना काफी आसान रहेगा। राइट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि विटामिन बी12 केवल एनिमल सोर्सेज में मिलेगा, ओनली नॉन वेज फूड में, या एनिमल नॉन वेज की अगर बात करें तो एक एक्सेप्शन हम लोग मिल्क ले सकते हैं, लेकिन मिल्क भी प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं
विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड की, जिनके कमी से विटामिन बी12 या फॉलेट डिफिशियंसी मैक्रोसिटिक मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। जिनमें विटामिन बी12 और फॉलेट कम है उनमें खून की कमी हो सकती है, और ऐसे ब्लड को जब एग्जामिन करोगे माइक्रोस्कोप में, जीबीपी करोगे, तो सेल का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, टू सिंपल टू अंडरस्टैंड आई थिंक। डेली रिक्वायरमेंट तो 1 माइक्रोग्राम इसका हो गया, 100 माइक्रोग्राम इसका हो गया। अब अगर हम लोग देखें सोर्सेज कहाँ कहाँ ये चीजें ज्यादा मिलती हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने विटामिन बी12 की बात किया था अभी, विटामिन बी12 में क्या होगा, एनिमल सोर्सेज में मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम लूँ, तो यहाँ इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो सोर्सेज ऑफ विटामिन बी12। कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, सब कुछ आपके क्या है, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी12 में हम लोग बात करते हैं एनिमल सोर्स ओनली, राइट, विटामिन बी12, राइट, नॉन वेज डाइट में ही। और अगर यहाँ पे हम लोग करें प्लस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे आप लोगों ने बताया था कर्ड में मिल सकता है, चीज में मिल सकता है, बटर में मिल सकता है, चॉकलेट में मिल सकता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो सोर्सेज ऑफ विटामिन बी12 इसी डायग्राम में ही देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी आपको वेज सोर्स नहीं लिखा है। जैसे एग हो गया, सैलमन मतलब फिश हो गया, राइट, कुछ मशरूम्स में मिल सकता है, दिस इज करेक्ट, राइट। इसके अलावा मटन हो गया, चिकन हो गया, और स्नेल्स वगैरह में मिल सकता है, समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग यहाँ पे याद कर लेते हैं विटामिन बी12 नॉन वेज डाइट प्लस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, कुछ मशरूम्स में मिल सकता है अगर वेजिटेरियन की बात करें, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, इफ विटामिन बी12 इज ओनली प्रेजेंट इन नॉन वेज फूड एंड मिल्क, तो हाउ दोज वेजिटेरियंस गेट विटामिन बी12 हु डोंट ड्रिंक मिल्क और हैव मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट, जो दही नहीं खाते, मट्ठा नहीं खाते, छाछ नहीं खाते, उनको कहाँ से मिला। तो इसका आंसर ये है कि हमारा जो गट बैक्टीरिया है, फ्रॉम गट राइट, फ्रॉम हम लोग कहते हैं ऐसे लोगों, गट बैक्टीरिया, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, सिंथेसाइजेस एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ विटामिन बी12, मतलब कहीं से भी ना मिले हमारे बैक्टीरिया काफी हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि नॉन वेज डाइट खाओ, सिंथेसाइज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन बी12, राइट। इसीलिए कहा जाता है बिना मतलब के एंटीबायोटिक ना लो, वरना गट बैक्टीरिया क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, विटामिन बी12 और विटामिन के की कमी हो जाएगी, राइट। तो गट बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हम लोग नॉन वेज डाइट में बात कर रहे हैं विटामिन बी12 मिल रहा है यहाँ पे, ये विटामिन बी12 भी मटन और बीफ, मतलब ये आपके क्या कहते हैं, फिश या डॉग, डॉग नहीं खाया जाता, सॉरी, ये गोट हो गया, राइट, सीप हो गया, वो लोग नहीं बनाते, उनका भी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ही बनाता है, बस उनकी बॉडी में रहता है, राइट। जैसे हमारी बॉडी में विटामिन बी12 है, हमने नहीं बनाया है, किसने बनाया है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में। तो जो नॉन वेज सोर्सेज दी हैं उनके भी इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया ही बनाया होगा, लेकिन जब वेज की बात करते हैं तो वेज प्लांट के पास तो कोई इंटेस्टाइन होती नहीं। तो जो लोग वेजिटेरियंस हैं, राइट, उनको कहाँ से मिलता है, गट में सिंथेसाइज होता है। जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके भी गट से ही मिल जाता है, जो बाकी डाइट से मिलता है वो एडिशनल है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सोर्सेज ऑफ विटामिन बी12 एक्सक्लूसिवली फ्रॉम एनिमल सोर्स, राइट, इंक्लूडिंग मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, नॉर्मल इंसान जो वेजिटेरियन है, गट बैक्टीरिया उसका बनाता है। सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड की अगर बात करें, तो फॉलिक एसिड तो आपका वेजिटेरियन डाइट में भी मिलेगा। देखते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या क्या क्या रिच सोर्सेज हैं विटामिन किसके, बी9 फॉलेट, राइट। तो फॉलिक एसिड, अगेन दिस इज
पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और हम लोग इसको क्या कहते हैं, B9। विटामिन B12 वाज साइनोकोबालामीन, और हम लोग उसी को रेड विटामिन कहते थे। यहाँ पे देखो सोयाबीन में मिल गया, दाल वगैरह में मिल गया, एस्परागस मिल गया, स्पाइनेच का मतलब पालक है, पालक में मिल गया, एवोकेडो में मिल गया, ब्रोकली जो आपकी फूल गोभी होती है, मैंगो में मिल गया, कॉर्न में मिल गया, ऑरेंज में मिल गया, लेट्यूस में मिल गया, राइट। तो कुल मिला के ढेर सारे प्रोडक्ट्स में मिल रहा है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे ऑल्सो अवेलेबल इन वेज फूड, खासकर आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ऑल्सो अवेलेबल इन वेज फूड। वेज फूड में हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स। और यहाँ पे अगर कुछ चीजें हम लोग नोट करें, एग्जाम्पल स्पिनेच, जिसमें बहुत ज्यादा आयरन भी मिलता है, प्लस ब्रोकली को लिखना ना भूलो यहाँ, ब्रोकली बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं बेहतर है एक वर्ड यूज करना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, विटामिन B12 कम होगा या फॉलेट कम होगा तो अनीमिया मिलेगा, और ऐसे अनीमिक लोगों में RBC का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा, बोन मैरो में भी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का साइज बड़ा मिलेगा। तो हम लोग कह देते हैं माइक्रोसिटिक मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 और फॉलेट और डिफिशियंसी ऑफ बोथ। एक टर्म और यूज होता है यहाँ पे, परनीसियस अनीमिया। बहुत सारे लोग समझते हैं परनीसियस अनीमिया विटामिन B12 अनीमिया सेम ही है। परनीसियस अनीमिया में हम लोग कहते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट। अक्सर ये ऑटो इम्यून कंडीशन होता है जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज हो जाता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आया, इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसका मतलब अगर किसी में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर गट में मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन में इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जिसकी वजह से विटामिन B12 क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा या इंट्रिंसिक फैक्टर को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, राइट, इसका मतलब विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज, एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, देयरफॉर क्या होगा, अगेन आपका मैक्रोसिटिक अनीमिया होगा। तो अगर मैक्रोसिटिक अनीमिया विटामिन B12 डिफिशियंसी अनीमिया है, लेकिन इसका कारण क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि स्टमक से सिक्रीट होता है जो हेल्प करता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर किसी भी रीजन से कम सिक्रीट हो, इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी हो, ऐसे लोगों में अगर विटामिन B12 की कमी मिले और फिर अनीमिया मिले, तब उसी को आप परनीसियस अनीमिया कहते हो। देखा जाए तो एक तरीके से विटामिन B12 डिफिशियंसी है, लेकिन ऐसा नहीं खाने में कम था, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर कम था जो कि स्टमक से सिक्रीट होता है, और जो हम लोग डाइट में विटामिन B12 लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। चैट सेक्शन आए।